एस्ट्रोनॉमी में अगर देखेंगे तो ऑब्जर्वेटरी, पहली बार ऑब्जर्वेटरी जो बनाए थे वो मुकम्मल, एक अच्छी साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरी जो बनाए थे वो मुसलमानों ने ही बनाए थे। एस्ट्रोलॉब्स जो बनाए थे जिससे हम आसमान में सितारों को देख सके, वो एस्ट्रोलॉब्स मुसलमान में बनाए थे। ये देखिए, जहालत यूरोप में इतनी थी कि जब स्पेन को सलीबियों ने हासिल किया, उस पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने एस्ट्रोलॉब्स जो पाए वहाँ पर उसको समझ नहीं पाए कि इसका क्या काम है, और उन्होंने क्लॉक टावर्स में उस एस्ट्रोलॉब्स को लगा दिया, जिसे मुसलमान साइंसदान खला में देखकर तारों की जांच करने के लिए जो यूज़ करते थे, उसको इस्तेमाल किया करते थे, उसे वो लोगों ने क्लॉक टावर में लगा दिया, क्योंकि उसे उनको उसका इस्तेमाल का ही पता नहीं था स्पेन में जब सलीबियों ने इसका ये किया। हम जानते हैं कि, और यही नहीं बल्कि हम जानते हैं कि टेलीस्कोप को किसने ईजाद किया, तो हम कहते हैं कि गैलीलियो ने 1442 में टेलीस्कोप को ईजाद किया, यानी 15वीं सदी में गैलीलियो ने टेलीस्कोप का ईजाद किया। तो पहला टेलीस्कोप जो था वो गैलीलियो का नहीं, गैलीलियो का एडवांस टेलीस्कोप था जो कि बहुत अच्छा था, लेकिन पहला टेलीस्कोप किसने बनाया था 756 ईस्वी में इब्न इसहाक जंदुब ने, 700 साल पहले गैलीलियो से। हमें पता नहीं, हमें हम अगर हम कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहले टेलीस्कोप किसने बनाया, हमने वो पढ़ाते हैं कि गैलीलियो, हम भी पढ़ लेते हैं गैलीलियो, हम कहते भी हैं कि गैलीलियो, नहीं, गैलीलियो से पहले प्रोटोटाइप हमारे अब्दुल अज्जाद ने बना